इंजीनियर अरविंद कुमार त्रिपाठी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भारत सरकार का इंजीनियर यूसीसी का सदस्य। क्या हुआ है, किस तरीके से नियुक्ति आपकी हुई है इसमें? क्या हुआ है, किस तरीके से नियुक्ति आपकी हुई है? देखिए, हम लोगों का नामित किया जाता है जो पाठ्यक्रम के लोग हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हम लोगों को रेल यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए हम लोग को नियुक्त किया है, जिससे कि हमारे भारतीय रेल में बहुत अच्छा सुधार हो, रेल यात्रियों को अच्छी सुविधाएँ मिले, इसके लिए हम लोगों को नामित किया गया है। आप नामित हुए हैं, किस तरीके से सेवा देंगे अपनी और क्या गलतियां हैं, खामियां हैं जिसको आपको बदलना चाहिए? देखिए, रेल मंत्रालय भारत जो है बहुत बड़ा एक देश है, जहां की आबादी लगभग 130 करोड़ है। इसको हम लोग माननीय रेल मंत्री जी के कड़ी है और ये कड़ी पूरे भारत में फैली हुई है और हर तरीके से हम लोग इसमें सुधार करने के लिए और प्रयासरत हैं। जो कोई भी चीज़ें असुविधाएं जो भारत के जो यात्रियों के लिए होती हैं, वो कड़ी से जोड़कर हम माननीय रेल मंत्री जी को बताते हैं, देते हैं, जिसमें कि इसमें मूलभूत सुविधाओं में एक अच्छा सुधार हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जैसे अवैध तरीके से जो रेल यात्राएं होती हैं, चाहे बुक स्टॉल हो, चाहे रेस्तरा हो, चाहे वो खाने के बुक स्टॉल हो, रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी ना हो, और भी यात्रा में किसी भी तरीके से यात्रियों की असुविधा होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे खान पान से संबंधित हो, इसकी हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं और वहाँ के अधिकारियों को लेकर इसकी जांच करते हैं और जांच रिपोर्ट हम लोग जो माननीय रेल मंत्री जी को प्रस्तुत करते हैं, जिसपे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होती है और रेल सुविधाओं में उचित जो है सुधार होता है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए किसी भी पैसेंजर को उतर के ही अपना इलाज कराना पड़ता है? नहीं, इस पे देखिए, हमारी सरकार बहुत बड़ा जो 70 साल से हमारे देश में कांग्रेस का राज रहा है, इस पे कोई ध्यान फोकस नहीं किया है। हम लोगों ने चिकित्सा, खान पान, पेयजल और सफाई, इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित मैं बात के लिए असुरक्षा, तो स्वास्थ्य संबंधी इसके लिए हम लोगों ने हर स्टेशन पे जो रेलवे के जितने अस्पताल के डॉक्टर हैं, चाहे जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनकी पूरी सूची मोबाइल के साथ हर स्टेशन पे चस्पा करने का प्रस्ताव किया है। और हर स्टेशन पे देखिए, हमारे यात्रियों को यदि कोई असुविधा हो जाती है तो हर किसी स्टेशन पे मेडिकल स्टोर की सुविधा नहीं है। लेकर के काशी स्टेशन को भी एक्सपेंड करने वाले हैं, सारी चीज़ें होने वाली, तो उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है या होने वाला है, उस पर किस तरीके से आप कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत रुका है और ये धीरे धीरे इसका धीरे धीरे देखिए, इसमें वो जो भी होता है रुकता है। आप हमेशा भ्रष्टाचार तो पिछले 70 सालों में बहुत गहराई तक जो है व्याप्त हो गया था और इसको माननीय मोदी जी ने काफ़ी जो हद तक इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से ट्रेनों में भी है, सप्लाई में भी है, और इस तरीके की जांच के लिए हम लोगों की समिति बनाई गई है और हम लोगों को क्षेत्र वायर इस पर जिम्मेदारी दी गई है और इसकी जांच करते हुए हम लोग इसका पूरा का पूरा सूचना माननीय रेल मंत्री जी को देंगे और इस पर ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोबारा इस तरीके का काम करने की हिम्मत भी नहीं होता पाएंगे। काशी स्टेशन एक्सपेंड हो रहा है और रेल मंत्री खुद आए थे यहाँ पे? जी जी, हाँ, विस्तार हो रहा है और बनारस में आप देख रहे हैं कि स्टेशनों का बहुत सारे विस्तार हुए हैं। काशी क्षेत्र को जो कितना जो काशी स्टेशन को कितना भव्य जो बनाया गया है, हमारे कैंटोनमेंट कैंट स्टेशन को भी काफ़ी भव्य बनाया गया है और ये विश्व स्तरीय जो है रेल स्टेशन है, ये आप बनारस आप देख सकते हैं। धर्म संघ पे कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि रेलवे ने उसको अभी तोड़वाया है? जी, धर्म संघ पे कुछ बोलना चाहेंगे? धर्म संघ को रेलवे ने भी कुछ नहीं, इस पर हमारा मुद्दा नहीं है, इस पर क्या हम लोग बात करेंगे।